बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस यानी कि रवीना टंडन पिछले काफी वक्त से बॉलीवुड में तो दिखाई नहीं दी, लेकिन हाल ही में वो एक इवेंट में पहुंची थी जहां पर उन्होंने पढ़ पढ़ कर स्पीच दी थी। जी हां, आपको बता दें, रवीना टंडन संजय गांधी नेशनल पार्क की ब्रांड एम्बेसडर बनी है और इस खास मौके पर रवीना टंडन को इनवाइट किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया। लेकिन आपको बता दें, रवीना टंडन से जब स्पीच देने के लिए कहा गया तो वो जैसे ही स्टेज पर आई तो उन्होंने कागज में से देखकर स्पीच पढ़ना शुरू किया था। तो फिर बिना देरी किए देखिए क्या कुछ खास रहा हमारे इस वीडियो में और क्या कुछ कहा है रवीना टंडन ने अपने संजय गांधी नेशनल पार्क की ब्रांड एम्बेसडर बनने को लेकर। आप सब उपस्थित, मेरा प्यार भरा नमस्कार। इतने प्यार और शांति से आप इतनी देर से बैठे हैं उसके लिए धन्यवाद। मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर फाइनेंस प्लानिंग एंड फॉरेस्ट मिस्टर सुधीर साहब का। मैं एक्चुअली पूरा नाम लेके फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहूँगी, जैसे सब प्यार से उनको जानते हैं सुधीर भाऊ, मैं भी सुधीर भाऊ कहना चाहूँगी। तो मैं सर इतना फॉर्मल नहीं बनाऊँगी। भाऊ आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है किस तरीके का पैशन है आपका और किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट है इनका। हम सब तो करते ही रहते हैं लेकिन बाकी जन तो सोचते हैं कि चलो पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, उनको एक दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है, उनको एक पोस्ट। लेकिन जो दिल से काम करते हैं वो लोग पहचानने में एकदम से जैसा हीरा एक चमकता है वैसे पता चल जाता है, एंड मैंने वो सुधीर भाऊ में देखा है। तो मैं बहुत 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 खुश हूँ कि हमारे मुंबई को, हमारे महाराष्ट्र को आप जैसे मिले हैं एक मिनिस्टर जो एक्चुअली काम करने के लिए और हमें इतने प्यार से वो जब बैठ के समझाते हैं उनका उनकी रुचि जो है वो एकदम चमक उठ के आती है और उसके उसके कंपैरिजन में हम लोग बहुत छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि जो उनके एक्सपेक्टेशंस हैं और जो वो करना चाहते हैं। आई होप जो आप आज आपने मुझे ये ऑनर दिया है मैं उसके काबिल रहूं और मैं आपको नहीं हमारे महाराष्ट्र को और हमारे संजय गांधी नेशनल पार्क को भी इस मुकाम तक लेके आऊं। मेरी ही नहीं लेकिन इन सब की मेहनत, जो इधर जितने अधिकारी हैं, जो हमारे स्टेज पे सब साथ ही, मैं सबका नाम लेना चाहूँगी एक्चुअली। हमारे ऑनरेबल MP साहब मिस्टर गोपाल शेट्टी, जिनसे मैं पहले भी एक बार बात कर चुकी हूँ, बहुत अच्छे अच्छा इनसाइट दिया इन्होंने हमें अभी इस समय। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सरदार तारा सिंह जी का, जो हमारे MLA हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बातें आपने सुनाई हमें। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मिसेस मनीषा ताई का, जो ताई को मैं अभी मिली हूँ और बहुत ही इन्वॉल्वमेंट उनका भी देख के बहुत खुश हुई हूँ, जो हमारी MLA हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे MLA मिस्टर प्रकाश सुर्वे जी का, जो जिनको भी मैं पहले से पहचानती हूँ और ये भी एक बहुत ही पैशनेट और जोशीले MLA हैं। और मैं खुश होती हूँ जब मैं ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो एक्चुअली उनमें कुछ कर दिखाने का स्वभाव है, उनमें एक भाव है ये करने का और बहुत मन से करते हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे MLA मिस्टर प्रवीण दरेकर साहब का, आपको अभी मिली हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सोचती हूँ कि हम सब मिलके साथ में, चाहे पहले ना मिले हों अभी मिले हों, लेकिन साथ में बहुत एक अच्छा बढ़ाव, कुछ अच्छा काम करें। मैं विकास खारगे जी को पहले से जानती हूँ, उनको मिल चुकी हूँ और फिर कहूँगी उनके लिए उनकी तारीफ़ में कि हमें उन जैसे लोग हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे देश में बहुत ज़रूरत है, जो सच्ची कुछ कर दिखाने की जो जोश रखते हैं वो उनमें है। एंड आई थैंक यू खारगे साहब फॉर एवरीथिंग दैट यू डू फॉर अस इन आवर कंट्री, थैंक यू। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी बहुत ही एक स्पेशल इंसान है अनवर अहमद जी, जो CCF हैं हमारे संजय गांधी नेशनल पार्क के। और मैं उनकी स्टोरी सुन चुकी हूँ और मैंने सुना है 17 साल वो पहले एक ऐसे एरिया में थे जहाँ अर्बन नक्सल होते थे, अर्बन नक्सल आजकल फैशन है अर्बन नक्सल बोलने का, जहाँ नक्सल रहते थे। और उन्होंने किस तरीके का ऐसी एरिया में काम किया और फिर उनका ट्रांसफ़र यहाँ हुआ है संजय गांधी नेशनल पार्क में है अभी। आई थिंक अनवर जी, इट्स बीन 2 ईयर्स, यू बीन हियर 1.5 ईयर, प्लीज़ कम इन।
वो 1.5 साल से हैं यहाँ पे, लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे जिस तरीके का बदलाव वो यहाँ हमारे संजय गांधी नेशनल पार्क में करते हैं। फोकस में नहीं आते, पीछे खड़े होकर चुपचाप अपना काम करते हैं। ऐसे लोगों की बहुत बहुत ज़रूरत है हमको, और उनका बहुत बहुत हमें दिल से धन्यवाद करना चाहिए। इनके जो आइडियाज़ हैं और जो इनके उपाय हैं, जो ये सुझाव देते हैं, बहुत ही ग्राउंडेड हैं, एंड आई थिंक ही इज़ द राइट मैन फॉर द जॉब, जैसे कहते हैं। मैं ऑल्सो धन्यवाद करना चाहूँगी मिस्टर महेंद्र मोरे जी का, जिन्होंने अभी आप जिनको मिले, जिन्होंने हमें फर्स्ट संजय गांधी की फर्स्ट इलेक्ट्रिक बग्गी दी है। यानी कि जितना पल्यूशन गाड़ियों से होता है पार्क के अंदर, वो धीरे धीरे ख़त्म करने की जो योजनाएं बन रही हैं, उन्होंने पहला इलेक्ट्रिक बग्गी आज हमको डोनेट किया है। उसके लिए महेंद्र, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। आप सबका भी धन्यवाद, और जैसे कि मैंने कहा, मैं बहुत ही आभारी हूँ, और मैं कोशिश करूँगी जितना मेरे से हो सकता है, जितनी मेरी हैसियत है, जितने मेरे हाथ में है, कि मैं कामयाबी से काम कर पाऊँ। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका भी सहयोग लगेगा इसमें। तो ये मत समझिए कि जो यहाँ मंच पे बैठे हैं बस इनका ही काम है सुधारने का, ये हमारा है, महाराष्ट्र हमारा है, मुंबई हमारा है, ये संजय गांधी नेशनल पार्क हमारा है, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक अच्छा ग्रीनर मोर ब्यूटीफुल प्लैनेट जो हमारी आगे की पीढ़ी है उनको हम स्वागत करें, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी हो जाती है। सो थैंक यू ऑल वेरी मच। एक बेहतरीन अदाकारा के रूप में तो आपकी पहचान हम सभी को है, लेकिन एक बेहद संवेदनक्षम व्यक्ति के रूप में आपने जो अभी वक्तव्य किया, आप उसके एक बहुत ही सेंसिटिव इंसान के रूप में हमारे सामने प्रतीत हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आणि आता मी माननीय श्रीयुत अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।